सभी का स्वागत है। आजम खान ने एक बार फिर से गाय के बहाने पीएम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया है। कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी 24 घंटे के अंदर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कर देश के मेट्रोपॉलिटन सिटीज के 5 सितारा होटलों में गाय के खुले आम प्रचलन पर रोक लगाई जानी चाहिए। ऐसा नहीं करने पर आजम खान ने पीएम का इस्तीफा मांगा है। आजम खान ने कहा, पाकिस्तान भेजने का इरादा रखने वाले पाकिस्तान से दोस्ती रखकर एक म्यान में दो तलवारें नहीं रख सकते। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि जिस पाकिस्तान को 100 दिन में मिटा देने के नाम पर चुनाव जीता था, उस पाकिस्तान में बिना सूचना दिए चले जाते हैं। पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा कि देश के गद्दारों से हाथ मिलाते हो, बंद कमरे में बात करते हो। हम बार बार कहते हैं, बंद कमरे की बात को रिलीज करो। बंद कमरे में कौन कौन था, इसे देश जानना चाहता है। रामपुर को स्मार्ट और यादगारी शहर करार देते हुए आजम ने अपने द्वारा कराए गए विकास कार्यों को पीएम मोदी से आकर देखने की पेशकश की। साथ ही जिले में आकर पार्लियामेंट का अगला चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़ने तक की दावत नरेंद्र मोदी को दे दी कि हिंदुस्तान जानना चाहता है कि नवाज शरीफ की माँ के पैर छू लिए, हमने कहा माँ को वापस लाओ, आप ले आए। पत्नी को वापस लाने पर शुक्रिया कहने आएंगे। कहा कि जो शख्स अपनी पत्नी को जिंदगी का हकदार नहीं बनाता तो बेटियों को हक कहां से देगा। कि सीएम पद के कैंडिडेट के रूप में वह कितनी सही साबित हो सकेंगी। यूपी के मथुरा स्थित जवारबाग कांड में शहीद हुए एसपी सिटी मथुरा मुकुल द्विवेदी की पत्नी अर्चना द्विवेदी ने बुधवार को डीजीपी कार्यालय में ज्वाइनिंग कर लिया। अब यहां से एक दो दिन में उनकी पोस्टिंग के आदेश आ जाएंगे। बुधवार को अर्चना द्विवेदी ने लखनऊ में अपने परिवार वालों के साथ यहां आकर डीजीपी ऑफिस में ज्वाइन किया। मथुरा में पिछले 2 जून की शाम को जवाहर बाग खाली कराने की रिहर्सल करने गई पुलिस पर रामवृक्ष ने सत्याग्रहियों से गोलीबारी करवा दी थी। इस घटना में एसपी अधीक्षक मुकुल द्विवेदी एवं थानाध्यक्ष संतोष कुमार के अलावा कई दर्जनों उपद्रवियों की मौत हो गई थी, जिसमें 11 लोग आग में झुलसने एवं 11 लोगों की लाठी डंडों की चोटों से मृत्यु हुई। मृतकों में एक महिला और रामवृक्ष भी शामिल था। घटना के दौरान 23 पुलिस कर्मियों को फायर आर्म्स एवं लाठी डंडों की चोटें आई, तो वही 56 उपद्रवी घायल भी हुए थे। यूपी पुलिस को ऑपरेशन के दौरान 45 तमंचे, 315 बोर और 80 जीवित एवं खोखा कारतूस, 12 बोर, 99 जीवित एवं खोखा कारतूस, 315 बोर एवं 5 खोखा कारतूस, 32 बोर बरामद हुए थे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 18 अतिक्रमणकारी मारे गए थे। अरविंद केजरीवाल के 21 विधायकों की मेंबरशिप जिस शख्स की वजह से खतरे में है, वो है एडवोकेट प्रशांत पटेल। ये अपनी वकालत से आमिर खान, कन्हैया कुमार जैसे लोगों को भी परेशान कर चुके हैं। वकील प्रशांत पटेल ने बताया कि मार्च 2015 में आप जिन विधायकों को मंत्री नहीं बना पाई, उन्हें पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाकर अपॉइंट कर दिया। यह पद लाभ के थे। इस पर मैं मामले को पहले कोर्ट में ले गया, फिर राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाया। प्रशांत बताते हैं कि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो फैमिली डर जाती है, लेकिन इसके बावजूद सपोर्ट करती है। 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी से इंस्पायर हुआ, लेकिन बीजेपी की ओर झुकाव होने के बाद भी उसके लिए काम नहीं करता हूँ। कुछ लोग मामले को दूसरा रुख देने के लिए कहते हैं कि मैं बीजेपी से जुड़ा हूँ। मोदी की कैबिनेट में होने वाले फेरबदल और विस्तार के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने यूपी से 5 चेहरों को जगह देने पर सहमति जताई है। इसमें से 3 चेहरों को कैबिनेट में तो 2 को केंद्रीय संगठन में लाने की बात चल रही है। कैबिनेट में शामिल करने के लिए गोरखपुर सांसद योगी आदित्यनाथ और अपना दल सांसद अनुप्रिया पटेल के नाम पर भी बात हो रही है। केंद्रीय संगठन के लिए हाल ही में राज्यसभा में लाए गए शिव प्रताप शुक्ला को शामिल करना लगभग तय हो चुका है। मोदी कैबिनेट का विस्तार और फेरबदल 20 जून के बाद कभी भी हो सकता है। वहीं 3 साल का कार्यकाल होने के बाद भी शाह भी अपनी टीम में खाली जगह को भरने और थोड़ा फेरबदल करने के लिए माथापच्ची कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट विस्तार और फेरबदल के मामले में यूपी को लेकर मंथन जारी है। इससे संगठन स्तर पर योगी और अनुप्रिया के नाम पर सहमति बन चुकी है। संगठन स्तर पर चर्चा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शाह और मोदी इसे अंतिम रूप देंगे। तीसरी नाम के रूप में फिलहाल राजवीर का पलड़ा भारी है। कल्याण सिंह की अनुपस्थिति में पार्टी लोध बिरादरी को संदेश देना चाहेगी। मथुरा जवारवा कांड के माओवादी सरगना रामवृक्ष यादव का 5 साल पूर्व का एक और मामला सामने आया है, जिसमें कि हाईवे थाना क्षेत्र के जय गुरुदेव पेट्रोल पंप पर 5 साल पूर्व रामवृक्ष यादव ने अपने साथियों के साथ पंप पर मारपीट और लूटपाट की थी। आज रामवृक्ष
यादव के एडीजे कोर्ट में पेशी होनी थी। सदर बाजार थाना पुलिस ने मृतक राम वृक्ष यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर पुलिस कोर्ट पहुंची, लेकिन एडीजे पाठ्यक्रम में गीता व रामायण को शामिल किया जाए। जनता को निरोगी तभी बनाया जा सकता है जब हम गाय की रक्षा सुनिश्चित करें, क्योंकि गाय का गोबर की खाद से तैयार फसल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगी। आज शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने पहुंचे। शंकराचार्य ने बद्री नाथ में पूजा अर्चना के दौरान अस्वस्थ चल रहे स्वामी माधवाश्रम की जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। भगवान के दर्शन पूजन के बाद उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गंगा जल को घर घर पहुंचाने का कार्य कर लोगों को धार्मिक स्थलों से दूर रखने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि डाक से गंगा जल घर पर मिल जाने से श्रद्धालु गंगा के दर्शनों को कमाएंगे। समाधि स्थल के जल्द पुनः निर्माण की मांग करते हुए कहा कि अगर सरकार के पास इसके लिए समुचित साधन नहीं है तो वे इसके जीर्णोद्धार का जिम्मा संभाल सकते हैं। शंकराचार्य ने यह भी साफ किया कि ज्योतिर्मठ में असली पीठ नरसिंह मंदिर में है, ज्योतिर्मठ का पुनः निर्माण कार्य भी तेजी से पूरा होना चाहिए। इस साल केदारनाथ में उमड़ी यात्रियों की भीड़ ने आपदा के बाद पसरे सन्नाटे को पूरी तरह से तोड़ दिया। सुनिश्चित तौर पर यह एक सुखद पहलू है, मगर तस्वीरों का दूसरा पहलू यह भी है जो निराशा पैदा करता है। यात्रियों को केदारनाथ पहुंचाने वाले घोड़े, खच्चर और पालकी वाले व्यवसायियों के लिए ये भी है साल कुछ खासा उत्साहजनक नहीं रहा। केदारनाथ यात्रा में आपदा से पहले घोड़े, खच्चर, पालकी, डग्गी व कंडी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। उस वक्त करीब 10,000 से अधिक घोड़े, खच्चर, पालकी का रजिस्ट्रेशन होता था। केदार घाटी समेत आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में इस व्यवसाय से जुड़कर मुनाफा कमाते थे, मगर आपदा के बाद से स्थितियां पूरी तरह से बदल गईं। अब तक यह व्यवसाय सिमटता जा रहा है। इस साल यात्रा में यात्रियों की आमद देखते हुए 2644 घोड़े खच्चर ने रजिस्ट्रेशन किया था। इनमें से 700 घोड़े खच्चर बिजनौर उत्तर प्रदेश से मंगवाए गए थे। औसतन प्रतिदिन 2,500 यात्री हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंच रहे हैं, जबकि घोड़े से जाने वाले यात्रियों की संख्या 1/4 रह गई है। इसकी एक बड़ी वजह मौसम का बदलता मिजाज और हेलीकॉप्टर पर यात्रियों की बढ़ती निर्भरता भी है। यात्रा में लगे जिला पंचायत में पंजीकृत आधा से अधिक घोड़े खच्चर वापस लौट चुके हैं। हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव एक साथ 10 करोड़ लोगों को योग अभ्यास कराकर एक नए अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सौहार्द को समर्पित इस अभियान के जरिए योग गुरु और उनकी टीम घर घर जाकर आपसी भाईचारे का संदेश भी पहुंचाएगी। योग गुरु बाबा रामदेव ने बताया कि अब उनका उद्देश्य योग के जरिए लोगों के बीच सांप्रदायिक की भावना को विकसित करना और उन्हें राष्ट्रीय एकता और आपसी भाईचारे का संदेश देना है। यही वजह है कि पतंजलि योग पीठ के योग कर्म योगी योग प्रशिक्षित शहर शहर गांव गांव जाकर हर घर में लोगों को 21 जून के दिन एक साथ योग करने को तैयार कर रहे हैं। योग गुरु ने कहा कि योग को धर्म के साथ जोड़कर बेवजह भ्रांति फैलाई जा रही है। यह सब दवा बनाने वाली विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नियोजित साजिश है, जिन्हें योग को बढ़ावा मिलने पर अपने व्यापार में घाटा होने का अंदेशा है। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। समय के साथ चलते रहने के लिए देखते रहिए समाचार टाइम 24। धन्यवाद।